देखिए जिंदगी में ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको दो में से किसी एक को चुनना पड़ता है, अर्निंग और इनकम। अर्निंग और इनकम में आपने अगर अर्निंग को चुना है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। अगर आपने इनकम को चुना है तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्निंग और इनकम में बहुत बड़ा डिफरेंस जो अभी तक हम शायद समझ नहीं पाए हैं। अर्निंग का मतलब होता है कोई काम आप करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। ये बात की गारंटी नहीं लेता कि भाई फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इनकम का मतलब ये होता है कि आपको तुरंत रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर लेता है कि फ्यूचर में ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। आज दुनिया का कोई भी बिलियनर हो वो अर्निंग बेस्ड थिंकिंग नहीं रखता है, वो इनकम बेस्ड थिंकिंग रखता है। और इनकम बेस्ड थिंकिंग से निकल के आती है इनकम। अब इनकम को भी समझ लेते हैं कि इनकम तीन प्रकार की होती है। अभी तक आपने शायद एक्टिव पैसिव का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा एक पोर्टफोलियो इनकम, एक्टिव पैसिव पोर्टफोलियो। तो एक्टिव इनकम को समझते हैं। एक्टिव से आप समझ रहे हो एक्टिव, यानी कि कोई भी आप काम करते हो तो उसका रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्टली ये एक्टिव इनकम नहीं है, ये आपकी अर्निंग है। इनकम इसलिए जुड़ जाता है जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको क्या लगता है ये आपकी पैसिव इनकम है? नहीं, आपकी एक्टिव इनकम है, क्योंकि आप जॉब करते हो तब आपको पैसे मिलते हैं, आप जॉब करते हो तब आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर लेता है कि अगर आप साल, महीने, दो महीने, चार साल, दस साल तक काम करते हो तो वो आपको पैसे देता ही रहेगा। ये आपकी एक्टिव इनकम है। आपने अगर घर किराए पे दिया हुआ है तो आपको क्या लगता है ये आपकी पैसिव इनकम है? आप किराए पे घर देकर के आप जॉब कर रहे हो तो आपकी पैसिव इनकम बिल्कुल नहीं, ये भी आपकी एक्टिव इनकम ही है, क्योंकि आपने घर किराए पे दे दिया, जिस दिन वो किराए वाला छोड़कर चला गया तो आपकी पैसिव इनकम चली जाएगी। तो पैसिव इनकम बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती, ये भी आपकी क्या है, एक एक्टिव इनकम में ही आती है। पैसिव इनकम का मतलब ये आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि भाई एक्टिव इनकम क्या होती है। अब तक जॉब कर रहे हो ना, ये एक्टिव इनकम है, और इससे कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बना है। आप जब तक अपनी लाइफ में पैसिव इनकम क्रिएट नहीं करते हैं, पैसिव इनकम का मतलब होता है एक काम एक बार करो बस उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता ही रहे, ये होती है पैसिव इनकम। केवल आपको उसको चेक करना हो, देखना हो बस। जैसे कि आज लोग स्टॉक मार्केट के सबसे बड़ा क्रेज ले रहे हैं, आज आप चाहे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें या फिर एफडी में करें, म्यूचुअल फंड में करें, ये सभी क्या है, एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकते हैं। वो अभी आपके लिए आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी लर्निंग लेकर के, हाँ जानकारी जुटाइए, उसके बाद पैसिव इनकम में हटाइए, क्योंकि पैसिव इनकम इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। क्योंकि आज जो भी बिलियनर हुआ ना, उसने पैसिव इनकम क्रिएट किया देन वो बिलियनर बना है। अगर ऐसे ही आसान होता ना तो हर कोई बिलियनर होता, हर कोई बड़ा आदमी होता। इसके लिए बहुत ही ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत ही लर्निंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, आफ्टर दैट आप कहीं किसी फील्ड में सक्सेस हो पाते हो। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अपना ये जो स्टॉक मार्केट वगैरह फंडा है, इसको आप अपनाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आप वर्क के साथ साथ अपनी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना ना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एजेंसी होती है जो आपके फंड को यानी आपके पैसे को अपनी जानकारी के अनुसार सही जगह निवेश करती है, और नियर अबाउट 7-8% तक आपको रिटर्न देती है। और ये शॉर्ट टर्म गोल पे बिल्कुल नहीं चलता, आपको लगभग 10 साल के 5 साल के लिए आपको टर्म लेके चलना है तो आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब पोर्टफोलियो इनकम, पोर्टफोलियो इनकम वीडियो थोड़ी सी लंबी होने की वजह से मैं अगली वीडियो में डाल रहा हूं उसको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पोर्टफोलियो इनकम जरूर देखना, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपकी ब्रांड आइडेंटिटी सामने निकल के आती है, और आपके ब्रांड आइडेंटिटी के लिए इससे पोर्टफोलियो इनकम कहा जाता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी वगैरह इस तरीके की क्या है, ये पोर्टफोलियो इनकम है। क्योंकि आज सलमान खान अगर कोई ऐड कर रहा है तो वो क्या है, बहुत बड़ा रेवेन्यू ले रहे हैं, उसी जगह अगर आप ऐड करते हो तो आपको छोटा सा अमाउंट मिलता है। इस तरीके की इनकम को कहते हैं पोर्टफोलियो इनकम। और आपको कितनी रॉयल्टी दी जाती है और सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को कितनी रॉयल्टी दी जाती है, इस तरीके की पोर्टफोलियो इनकम को समझने के लिए आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको डीप में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं पोर्टफोलियो इनकम पर एकदम कंप्लीट वीडियो आपको देने वाला हूं। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय के गहरे से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि भाई अज्ञानी ना मजबूरी में जीता है, अज्ञानी मजबूरी से जीता है, जबकि ज्ञानी मजबूती से जीता है। तो आपको मजबूती से जीना, और मजबूती से ही जीने वाला ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने नॉलेज पर निवेश करता है, और जो ब्रेन में निवेश करता है ना वही हाईएस्ट गेन कर पाता है, क्योंकि कैश कैन एनी टाइम क्रैश। तो माइंड में ऐसे इन्वेस्ट कीजिए और ध्यान लगाइए, समझिए कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को गेन कर सकते हो। और एक ही रास्ता है कि आपको इनकम बेस्ड थिंकिंग रखनी पड़ेगी, पैसिव इनकम को क्रिएट करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश, बड़ा बिजनेस।